हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान सीरीज में। तो गाइस, आज हमारी 21 सीरीज है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज है, जैसे यूके SSSC के लिए, UKPSC के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, कनिष्ठ सहायक के लिए, उत्तराखंड पुलिस के लिए, ठीक है, तो सभी के लिए, UTET CTET के लिए, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज हो जाती है, ठीक है गाइस। और ये आज हमारी 21 सीरीज है, ठीक है, 21 सीरीज है, तो ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज है जो आपके लिए हम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो गाइस बढ़ते हम अपनी सीरीज की ओर। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे पहली नगर पालिका परिषद कहाँ बनी थी? तो ये बनी थी मसूरी में, ठीक है, मसूरी में सबसे पहली नगर पालिका बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, वनों के प्रबंधन व नियंत्रण हेतु राज्य में वन पंचायत, ठीक है, यहाँ पे वन होगा, ठीक है, तो वन पंचायतों के गठन की शुरुआत कब हुई? तो देखो गाइस, हमारे वनों के प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए, ठीक है, हमारे जो वन की सुरक्षा रखने के लिए, ठीक है, ये जो पंचायत गठन की शुरुआत हुई थी, तो ये 1931 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, कुमाऊं में सर्वप्रथम वन कानून कब बने थे? तो गाइस, जो कुमाऊं में सर्वप्रथम वन कानून बने थे 1931 में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सेवा में राज्य के SC ST व OBC के लिए कितना आरक्षण है? ठीक है, तो ये गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो हमारे जो राज्य में कैटेगरीज के लिए, ठीक है, जो आरक्षण है, तो वो इस प्रकार है, जैसे कि SC के लिए 19%, ST के लिए 4% और OBC के लिए 14%, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सेवा में भूतपूर्व सैनिकों, खिलाड़ियों व विकलांगों हेतु आरक्षण है क्रमशः? तो गए देखो, हमारे राज्य में जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण है, ये 5% है, ठीक है, खिलाड़ियों के लिए 4% और विकलांगों के लिए 3% छूट है, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य में, ठीक है, राज्य में राज्य की महिलाओं हेतु क्षैतिज आरक्षण कितना है? तो देखो गाइज, हमारे राज्य की महिलाओं हेतु जो क्षैतिज आरक्षण है, तो ये 30% है, ठीक है। नेक्स्ट है, जनता द्वारा अपनी समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज कराने हेतु राज्य में कौन सी वेबसाइट है? तो देखो गाइज, अपनी समस्याओं को जो दर्ज कराने की जो वेबसाइट है ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं हम इसको, ठीक है, तो ये कौन सी वेबसाइट है? समाधान UK GOV IN। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो देखो गाइज, हमारे जो राज्य के प्रथम राज्यपाल हैं, ये कौन है? सुरजीत सिंह बन्नाला, ठीक है, सुरजीत सिंह बन्नाला प्रथम राज्यपाल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम राज्यपाल क्रमशः कौन है? तो देखो गाइस, हमारे जो द्वितीय राज्यपाल है वो सूरदर्शन अग्रवाल है, तृतीय BL जोशी, चतुर्थ मार्गेट अलवा, पंचम डॉक्टर अजीज कुरैशी, और छठा जो हमारे राज्यपाल है कौन है? डॉक्टर कृष्णकांत पाल, ठीक है। और देखो गाइस, मैं पहले राज्यपाल के कार्यकाल की बात करूं, तो जो हमारे जो प्रथम मुख्य राज्यपाल हैं सुरजीत सिंह बरनाला, तो इनका कार्यकाल है 9 नवंबर 2000 से 8 जनवरी 2003 तक, ठीक है। और जो द्वितीय राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल जी हैं, तो इनका कार्यकाल है 8 जनवरी 2003 से और 29 अक्टूबर 2007 तक, ठीक है। और जो तृतीय राज्यपाल हैं, इनका जो BL जोशी जी, इनका कार्यकाल है 29 अक्टूबर 2007 से 6 अगस्त 2009 तक, ठीक है। जो चतुर्थ राज्यपाल है मार्गेट अलवा, तो इनका कार्यकाल है 6 अगस्त 2009 से 15 मई 2012 तक, ठीक है। जो पंचम राज्यपाल है, ठीक है, तो जो डॉक्टर अजीज कुरैशी, इनका कार्यकाल है 15 मई 2012 से 8 जनवरी 2015 तक। और जो षष्ठम राज्यपाल हैं डॉक्टर कृष्णकांत पाल जी, इनका कार्यकाल है 8 जनवरी 2015 से, और ठीक है, और आई थिंक 20-21 अगस्त 2018 तक इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है, कृष्णकांत जी का, पाल का, ठीक है। और मैं कहना चाहूँगा इस जो अगस्त से, ठीक है, हाँ माफ़ कीजिए, अब याद आया, 26 अगस्त से, ठीक है, 26 अगस्त से ये रानी बेबी मौर्य हमारी राज्यपाल बनी, ठीक है, जो वर्तमान में है रानी बेबी मौर्य, ठीक है, रानी बेबी मौर्य हमारी राज्यपाल है वर्तमान में, ठीक है। और कौन से नंबर की हैं? 7वीं नंबर की हैं, ये भी ध्यान रखें, ठीक है, 7वीं नंबर की हमारी राज्यपाल है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के प्रथम और द्वितीय अंतरिम मुख्यमंत्री कौन कौन है? तो देखो गाइस, हमारे जो उत्तराखंड के प्रथम द्वितीय जो अंतरिम मुख्यमंत्री रहे हैं वो कौन रहे हैं? नित्यानंद स्वामी और
भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम जो अंतरिम मुख्यमंत्री कौन है, नित्यानंद स्वामी, और द्वितीय अंतरिम मुख्यमंत्री कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। नित्यानंद स्वामी की बात करूँगा, इनका कार्यकाल है 9 जनवरी 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक है, ठीक है। और जो भगत सिंह कोश्यारी में बात करूँ तो इनका कार्यकाल रहा 29 अक्टूबर 2001 से 2 मार्च 2002 तक, ठीक है, इनका ये कार्यकाल है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम मुख्यमंत्री क्रमशः कौन है। तो देखो गाइस, उत्तराखंड के जो तृतीय मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, तो ये कौन है, नारायण दत्त तिवारी, और चतुर्थ है मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी, ठीक है, और पंचम कौन है, ठीक है। तो गाइस देखो, तृतीय जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो नारायण दत्त तिवारी, ठीक है, चतुर्थ मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी, ठीक है, और पंचम मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, और षष्ठम मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी, ठीक है, और सप्तम मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, और अष्टम मुख्यमंत्री हरीश रावत, ठीक है, और नवम मुख्यमंत्री भी हरीश रावत रहे हैं। तो गैस ये मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे राज्य के, ठीक है। और वर्तमान में मैं बात करूँ, वर्तमान में हमारे 10वीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। तो गैस ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री भी हैं, ठीक है। और इनका कार्यकाल में बात करूँ गैस, तो इनका कार्यकाल रहा है, जो मैं प्रथम नित्यानंद स्वामी जी की बात करूं तो, ठीक है, नित्यानंद स्वामी को मैंने बता दिया आपको, 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक। और जो भगत सिंह कोश्यारी जो द्वितीय मुख्यमंत्री अंतरिम है, ठीक है, इनका कार्यकाल रहा 29 अक्टूबर 2001 से 2 मार्च 2002 तक, ठीक है। और तृतीय मुख्यमंत्री की मैं बात करूँ तो तृतीय मुख्यमंत्री जो रहे हैं, ठीक है, ये कांग्रेस से रहे हैं, नारायण दत्त तिवारी जी, ठीक है, और इनका जो कार्यकाल है 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक, ठीक है। और नेक्स्ट है जो चतुर्थ मुख्यमंत्री हैं, भाजपा से रहे हैं, ठीक है, और ये है मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी रहे हैं चतुर्थ मुख्यमंत्री, ठीक है, भाजपा से, और इनका कार्यकाल रहा 8 मार्च 2007 से 27 जून 2009 तक, ठीक है। जो पंचम मुख्यमंत्री रहे हैं ये भाजपा से रहे हैं, ठीक है, और इनकी मैं कार्यकाल की बात करूँ, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की मैं बात करूँ तो इनका कार्यकाल रहा 27 जून 2009 से 11 सितंबर 2011 तक, ठीक है। नेक्स्ट है जो षष्ठम मुख्यमंत्री हैं जो भाजपा से रहे, मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी, देखो दो दो बार मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है, एक बार चतुर्थ में बने थे और एक बार छठे में बने थे, ठीक है। तो मेजर जनरल भूमचंद खंडूरी में बात करो तो 11 सितंबर 2011 से 13 मार्च 2012 तक रहे इनका कार्यकाल, ठीक है। और सप्तम की बात करूँ, सप्तम मुख्यमंत्री कांग्रेस से रहे विजय बहुगुणा, इनका कार्यकाल भी 13 मार्च 2012 से 1 फरवरी 2014 तक रहा, ठीक है। अष्टम मुख्यमंत्री की मैं बात करूँ तो इनका कार्यकाल रहा हरीश रावत, 1 फरवरी 2009 से 27 मार्च 2016 तक, ठीक है। और फिर देखो अष्टम और नवम दो बारी लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, और इनका जो इसके बाद कार्यकाल रहा, ठीक है, तो ये रहा, ठीक है, 12 मई 2016 से, ठीक है, और 2019 के तक रहे ये मुख्यमंत्री, ठीक है। तो गाइस ये मुख्यमंत्री थे, ठीक है, तो ये मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया, ठीक है, जो जो मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, बस आप तो इतना ही याद कर लेना, ठीक है, इस कि प्रथम कौन था, द्वितीय कौन था, तृतीय कौन था, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अंतरिम एवं प्रथम विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित क्रमशः कौन है। तो राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं अंतरिम है, जो देखो कहे उत्तराखंड के जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष कौन है, ये प्रकाश पंत है, और जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित कौन है, तो ये यशपाल आर्य हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अंतरिम कौन है, या प्रकाश पंत, और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित कौन है, यशपाल आर्य है। नेक्स्ट है राज्य के द्वितीय विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित कौन है, तो देखो गए द्वितीय विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित जो है वो हरबंश कपूर है। नेक्स्ट है राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन है, तो महाधिवक्ता है प्रथम विजय बहादुर सिंह नेगी, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, अशोक अभेंद्र देसाई, ठीक है।
नेक्स्ट है उत्तराखंड के प्रथम लोक सेवा आयोग अध्यक्ष कौन है। ठीक है, देखो गए उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं अशोक अविंद्र देसाई, वर्तमान में कौन है, रमेश रंगनाथन। ठीक है, रमेश रंगनाथन, ये भी ध्यान रखेंगे, रमेश रंगनाथन वर्तमान में है। ठीक है, और उत्तराखंड जो प्रथम लोक सेवा आयोग अध्यक्ष कौन है, वो एनपी नवानी है। ठीक है, एनपी नवानी प्रथम लोक सेवा आयोग अध्यक्ष हैं। ठीक है, यहाँ पे यूकेपीएससी की बात हो रही है, और वर्तमान में कौन, आनंद सिंह रावत। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड के प्रथम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो देखो गए उत्तराखंड के जो प्रथम अधीनस्थ यानी UK SSSC के जो मुख्य चेयरमैन रहे प्रथम, वो रहे डॉक्टर RBS रावत। ठीक है, डॉक्टर RBS रावत प्रथम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मुख्य अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, और वर्तमान में बात करूँ तो वर्तमान में एस राजू। ठीक है, एस राजू वर्तमान अध्यक्ष हैं UK SSSC के। नेक्स्ट है राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन है, तो राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन है, न्यायमूर्ति SHA रज्जा। ठीक है, तो गाइस यही आज महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त हो जाता है। ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज थी। ठीक है, बाकी जो गाइस जो छोटे सीरीज होंगे उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लगता है एक पेज छोड़ गया है इसमें। ठीक है, तो एक पेज गाइस प्रिंट मिसेज हो गए इसमें, कोई बात नहीं गाइस। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज में इसको मैं इंक्लूड कर दूँगा। ठीक है, जो छोटे हुए थे। ठीक है, तो गाइस आज हमारी ये 21 सीरीज थी। ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज हो जाती है। तो गाइस अपना ध्यान रखें और अपना ख्याल भी रखें। इसी साथ अपनी सीरीज को मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है, और हमारे जो मैं इससे पहले कहना चाहूँगा, हमारे 20 सीरीज अपलोड हो चुकी है यूट्यूब में। ठीक है, जिन्होंने वो सीरीज नहीं देखी है वो देख लें। ठीक है, हमारे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान सीरीज की प्लेलिस्ट में जा करके आपको सारी सीरीज वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक्स फॉर यू वॉचिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।